हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पे मैं टीचिंग के वीडियोस बनाती हूँ और जो जनरल पर्पस वीडियोस हैं, लाइक जैसे कि आप किसी भी बायो के एग्ज़ाम्स की या फिर साइंस के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा चैनल है इस पे जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका TGT है, PGT है, LT ग्रेड है, GIC लेक्चर है, उन सब के लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी जा कर के देख सकते हैं। और अभी पहले के जो वीडियोज़ हैं वो MCQ बेस्ड वीडियोज़ हैं फ्रेंड, और अब मैंने थ्योरी बेस्ड बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहूंगी कि एटलीस्ट एक बार इस चैनल पे विजिट करिए, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं लास्ट टाइम पे मैं आपको जीन्स के बारे में बता रही थी, और वहाँ पे कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से, स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, और जिसका मैं आगे आज उसको प्रोसीड करना चाहती हूँ। जीन एक्सप्रेशंस का ही अभी ये पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो मुझे आज बताना है वो मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताना है। तो देखिए, बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं फ्रेंड जिसमें कि जो सिस्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे जो सिस्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। और कैसे ट्रांसक्राइब्ड होते हैं? एज अ सिंगल RNA ट्रांसक्राइब्ड होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए, बैक्टीरिया में बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स यानी मैनीसिस्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक सिंगल RNA की तरह ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, तो इन्हें पॉलीसिस्टोनिक RNA कहा जाता है। और यूकेरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे कॉमनली मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड आपको ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो यूकेरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसा होता है? वो मोनोसिस्टोनिक यानी मोनोमिस वन सिस्ट्रॉन वाला होता है। ओके, नाउ ड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन है अब यहाँ पे। तो ड्यूप्लेक्स फॉर्मेशन क्या चीज़ है? जब यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, ओके, उसका रिलीज़ हो जाता है, और जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड होते हैं, ओके, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सेंस एंड एंटी सेंस स्ट्रैंड होते हैं, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, ओके, जब उसका रिलीज़ होता है, विद द रिलीज़ ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड होता है DNA का, वो री एस्टैब्लिश करता है अपने आप को, और अपने जो हाइड्रोजन के जो लिंकेजेस होते हैं उनको री एस्टैब्लिश करता है, फिर से बनाता है और एक ड्यूप्लेक्स बन जाता है। ओके, तो अब ड्यूप्लेक्स बन जाता है, और क्योंकि अब यहाँ पे जो अनवाइंडेज होता है, जो अनवाइंड करता है पूरे DNA के कॉइल को, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो SSBs मैंने बताई थी, ओके, जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं वो भी अब रिलीज हो जाती हैं इस पॉइंट पर। ओके, तो ये यहाँ पर आपका ये जो मैंने आप सबसे पहले लास्ट लेक्चर में जीन एंड प्रोटीन बताया था, उसके बाद देन मैं ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म लेके चल रही थी, तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स का वो कंप्लीट हो गया है, और ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन है। ओके, यूकैरियोट्स में बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी वैरी करती हैं। नाउ अब मैं नेक्स्ट लेकर के आ रही हूँ। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कॉन्सिक्यूटिव जीन्स। ओके, कॉन्सिक्यूटिव जीन्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे जीन्स होते हैं फ्रेंड्स, जो कॉन्सिक्यूटिव जीन्स होते हैं वो ऐसे जीन्स होते हैं जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को वो एक्सप्रेस करते रहते हैं किसी भी सेल में। क्यों? क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, जैसे कि जीन्स जो ग्लाइकोलाइसिस का जीन होता है, और एटीपेज जो होता है, एटीपेज एंजाइम होता है उसके लिए, तो नाउ यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं। नाउ अब नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स क्या होते हैं? ये हमेशा अपने आप को सेल्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इनको लग्जरी जीन्स भी कहा जाता है। ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स को लग्जरी जीन्स भी कहा जाता है। ये स्विच ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, और क्यों स्विच ऑन स्विच ऑफ होते हैं? हमेशा ये नहीं अपने आप को फील रखते हैं कि जब मन चला यूज़ कर लिया, ओके, और ये अपने आप को जब ज़रूरत होती है तो ऑन करते हैं सेल के अकॉर्डिंग, और या तो फिर ऑफ रखते हैं, और ये सेलुलर एक्टिविटी की जैसे रिक्वायरमेंट होते हैं इसी के अकॉर्डिंग ऑन होते हैं। जैसे कि अगर हम नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है प्लांट्स में उसकी बात करें, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पर आप नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो इसके जो जीन्स होते हैं ये इसका एग्जांपल है। और जो लैक्टोज सिस्टम होता है शीरिकिया कोलाई या ई कोलाई बैक्टीरिया में, जो लैक्टोज सिस्टम होता है, लैकोप्रॉन जो होता है, उसके जो जीन्स होते हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं। ओके, ये क्या होता है? ये जो होते हैं वो किसी भी सेल को मैक्सिमम फंक्शनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सेल को मैक्सिमम
फंक्शनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं। एंड ये जो रेगुलेटेड, जैसे कि रेगुलेटेड जीन्स होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये जो है स्विच ऑन और या ऑफ करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को उसको स्टॉप कर सकते हैं या तो फिर उसको शुरू कर सकते हैं। नाउ अब ये जो रेगुलेशन है, ये किसी भी कोई भी जो सेल है या जो भी एक्वायर करेगा उसको, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। यहाँ पर दो प्रोसेस दिए हुए हैं यहाँ पर टू प्रोसेस दिए हुए हैं। ओके, इसको देख लेते हैं। पहला तो इंडक्शन प्रोसेस है। इंडक्शन में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है जीन रेगुलेशन का, जहाँ पर किसी भी सबस्ट्रेट का जो एडिशन होता है, तो फिर ये क्या करता है, किसी भी सिंथेसिस को, किसी भी एंजाइम की सिंथेसिस को इंड्यूस कर सकता है या तो फिर स्टिमुलेट कर सकता है। ओके, और जो कि इसके लिए खुद के ब्रेकडाउन के लिए भी एसेंशियल हो सकती है, नीड हो सकती है उसकी, तो ये काम कर सकता है इंडक्शन के लिए। नाउ रिप्रेशन में, रिप्रेशन मतलब अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये जो प्रोसेस है जीन रेगुलेशन का, इसमें किसी भी एंड प्रोडक्ट का एडिशन होता है। ओके, और ये क्या करता है, किसी भी एंजाइम की सिंथेसिस को स्टॉप कर सकता है, जैसा कि मतलब उसको नीड होता है। ओके, नाउ और ये फीडबैक रिप्रेशन भी कहलाता है, तो इसको फीडबैक रिप्रेशन भी कहते हैं। तो नाउ ये जो फिनोमेना है, फीडबैक रिप्रेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका प्रोकैरियोट्स में जो कंट्रोल होता है, किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन का जो रेट होता है, ओके, तो ये यहाँ पर जो प्रीडोमिनेंट साइट होती है जीन एक्सप्रेशन के लिए, उससे होता है। ओके, और इसको यहाँ पे ओपेरॉन मॉडल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, ओपेरॉन मॉडल भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आ ही जाता है इससे क्वेश्चन, इसके जीन्स को बहुत पूछा जाता है। ओके, पीपोजिया आपको लर्न करना है, पीपोजिया। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, जो जैकब एंड मोनो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, और ये जो मॉडल था ये जीन रेगुलेशन का मॉडल था, और इसका नाम दिया गया ओपेरॉन मॉडल। नाउ ओपेरॉन क्या होता है, एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब कि जब एक साथ मिल करके कुछ कोऑर्डिनेशन में जो काम होता है जीन्स का। ओके, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड ग्रुप होता है जीन्स का, जैसे कि स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ऑपरेटर जीन्स होते हैं, और प्रमोटर जीन होते हैं, रेगुलेटर जीन होते हैं, ये सब एक साथ कोऑर्डिनेटली काम करते हैं। और इनका जो फंक्शन होता है, या फिर ये क्या ट्रांसक्राइब करते हैं, ये एक साथ टुगेदर ट्रांसक्राइब होते हैं, और ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसको एज अ यूनिट रेगुलेट करते हैं, अलग अलग नहीं, एज अ यूनिट इसको रेगुलेट करते हैं। अब ओपेरॉन दो टाइप के होते हैं, तो पहले यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ये लैक ओपेरॉन मॉडल की, इसको तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पीपोजिया बताया, इसको आपको लर्न करना है। ओके, ये पी है, ये आई है, देन पी, उसके बाद यहाँ पे एक रिप्रेसर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है नाउ, और ये जेड वाई ए इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब देखिए यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए का जो है वो रिप्रेसर की तरह कम वर्क करता है, और यहाँ पे ये आपका जो यहाँ पे रिप्रेसर है, यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है। अब देखिए रिप्रेसर का काम क्या है, रिप्रेसर बाइंड टू दी ओपेरॉन ऑपरेटर रीजन। ये जो रिप्रेसर है, अगर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है, रिप्रेसर पहली बात तो बाइंड कहाँ करेगा, ऑपरेटर रीजन पे करेगा, और अगर ये ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करेगा तो इसके आगे ये प्रोग्रेस नहीं होगी, यहीं पे स्टॉप कर देगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज को जो है वो ट्रांसक्राइब करने से रोक देता है। अब आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये रिप्रेसर बाइंड कर गया है, यहाँ पे इसने रिप्रेस कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जब इंड्यूसर होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। नाउ अब यहाँ पे जो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है, अब यहाँ पे इनएक्टिव रिप्रेसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये इंड्यूसर यहाँ पे अटैच्ड हो गया, इसको इनएक्टिव कर दिया इसने। नाउ अब यहाँ पे आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। नाउ लैक एमआरएनए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपके थ्री जीन्स दिख रहे हैं ना, जेड वाई ए, तो ये जो जेड है क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए है, वाई परमीएज के लिए, एंजाइम के लिए, और इसकी प्रेजेंस में वर्क करेगा, और नाउ ये जो ए है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ओके, और ये मॉडल आप सभी लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बस इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए आप लोग, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इससे आपको देख करके बस इसमें जो चीज़ पूछी जा रही है वो क्या पूछना है, उसमें आपको पहली बात तो ये जो 3ZYA जो जीन्स दिए हुए हैं इंड्यूसर के वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको बस इनका जो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं फ्रेंड, उसको रिलेट करके लर्न कर लेना है, जैसे कि जेड के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, वाई के लिए परमीएज है, एंड ट्रांस एसिटाइलेज है। ओके, और मैसेंजर आरएनए जो है उसका उसके बारे में आपको थोड़ा सा
यहाँ पे देख लेना है। ओके, तो यहाँ पे और ये याद रखना है कि ऑपरेटर का क्या काम है और रिप्रेसर का क्या काम है, इंड्यूसर का क्या काम है। नाउ इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, अब यहाँ पे जो लाक ओपेरॉन है उसके बारे में देख लेते हैं। ई कोलाई में क्या होता है फ्रेंड, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो लैक्टोज होता है, ओके, तो लैक्टोज इस बैक्टीरिया में लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए 3 एंजाइम्स चाहिए। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज के टूटने के लिए, ब्रेकडाउन के लिए यहाँ पे 3 एंजाइम्स चाहिए। और ये जो एंजाइम्स होते हैं ये एक साथ सिंथेसाइज होते हैं और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सिंथेसाइज होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको लैक ओपेरॉन कहा जाता है। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे जो एडिशन होता है वो लैक्टोज का होता है और ये खुद स्टिमुलेट करता है, लैक्टोज इटसेल्फ स्टिमुलेट करता है एंजाइम्स के प्रोडक्शन को, तो ये इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे ये इंड्यूसिबल सिस्टम की तरह वर्क करने लगता है। नाउ लैक ओपेरॉन जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे जो जीन्स हैं उनके बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो जीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, और ये जो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, कौन सा एंजाइम इंक्लूडेड है, और इसमें जो एंजाइम इंक्लूडेड हैं या फिर जो दूसरी प्रोटीन होती हैं वो स्ट्रक्चरल फंक्शन की होती हैं। ओपेरॉन में 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, यहाँ पे जो मैंने अभी बताया जो लाके है ये जीन है वो एंजाइम ट्रांसएसिटाइलेज के लिए कोड करता है, एंड लैक वाई जीन है ये एंजाइम परमीएज के लिए कोड करता है, एंड जो लैक जेड है वो जीन ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है। देखिए जो ऑपरेटर जीन होता है, अब इसके बारे में देखते हैं, ये क्या करता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट करता है और जो कि रेगुलेटर मॉलिक्यूल होता है, और ये जब इंटरैक्ट कर जाता है तो आगे क्या करता है, ये प्रमोट कर देता है या फिर ये प्रिवेंट भी कर सकता है या रिप्रेस कर सकता है किसी भी स्ट्रक्चर जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, नाउ अब प्रमोटर जीन है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि प्रमोट करेगा, तो ये क्या करता है, ये जीन जो है उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट हो जाता है। नाउ रेगुलेटर जीन जो है ये क्या करता है, इसको इनहिबिटरी जीन भी कहते हैं, ये रेगुलेट भी करता है, इनहिबिट भी करता है और इनहिबिटरी जीन भी कहलाता है। ये जो जीन है ये प्रोटीन के लिए कोड करता है और इसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, इसी प्रोटीन के लिए ये कोड करता है। अगर कोई जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एलोस्टेरिक प्रोटीन होती है जो कि 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो एक फॉर्म में क्या होगा, ये पैराटैक्टिक होता है, ओके, ऑपरेटर के लिए, और ये बाइंड कर जाता है इसके साथ, और अनदर फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में ये पैराटैक्टिक की तरह बिहेव करता है और इंड्यूसर की तरह वर्क करता है लाइक लैक्टोज। तो इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली यहाँ पे। अब देखिए जो ओपेरॉन है ये स्विच ऑफ होता है या स्विच ऑन हो सकता है जब, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और ट्रांसक्रिप्शन या फिर जो फंक्शन होता है लैक जीन का या फिर स्ट्रक्चरल जीन्स का, ये डिपेंड करता है ऑपरेटर जीन पे। ओके, ये डिपेंड करता है ऑपरेटर जीन पे। तो नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए जब रिप्रेसर प्रोटीन वो इनहिबिटरी जीन प्रोड्यूस करती है, ओके, जब रिप्रेसर प्रोटीन जो कि इनहिबिटरी जीन के द्वारा प्रोड्यूस होती है, या तो फिर रेगुलेटरी जीन जो कि ऑपरेटर को बाइंड कर जाते हैं, या तो और उसके बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, अब जो ओपेरॉन मॉडल है वो क्या होगा, स्विच ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन का मतलब समझ गए हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं ऑन द अदर हैंड दूसरे साइड में क्या होगा, जब इंड्यूसर जैसे कि आपका लैक्टोज है वो सिस्टम में ऐड हो गया, तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो क्या करती है, ये जो कि, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, ये जीन आई के द्वारा या जीन आई से भी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जो कि जीन आई से प्रोड्यूस हुई है, ये इसके साथ बाउंड हो जाती है या आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाती है। अब जो रिप्रेसर है वो क्या होता है, वो ऑपरेटर से रिलीज हो जाता है। अब रिप्रेसर तो रिप्रेस करने के लिए रहा नहीं, तो वो ऑपरेटर से रिलीज हो जाता है। तो अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसको परमिशन मिल जाती है कि वो आगे एक्ट करने लगे। ओके, तो यहाँ पे उसको परमिशन मिल गई है, वो आगे अब अपना वर्क कर सकता है। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है लैक जीन्स का, अब ये हो सकता है। ओके, और जो ओपेरॉन मॉडल है यहाँ पे स्विच्ड ऑन पोजीशन में आ जाता है। अब 3 जीन्स जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं वो किससे ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्राइब होते हैं, और एक सिंगल मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। हर एक जीन का जो सेगमेंट है मैसेंजर आरएनए का, ऐसे जो ये सिस्ट्रॉन कहलाता है, और इसीलिए जो मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब होता है वो
मोर देन वन जीन्स में वो पॉलीसिस्टोनिक कहलाता है। अगर वन के लिए होगा तो मोनोसिस्टोनिक हो जाएगा और मैनी के लिए होगा तो पॉलीसिस्टोनिक हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे रिप्रेसिबल वाला ओप्रॉन देख लेते हैं। ये जो रिप्रेसिबल ओप्रॉन है वो ट्रिप्टोफैन ओप्रॉन होगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओप्रॉन देख लेते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो रेगुलेटर होता है वो नॉर्मली एपो रिप्रेसर प्रोड्यूस करता है। और एपो रिप्रेसर क्या होता है, इनएक्टिव रिप्रेसर होता है इस ओप्रॉन में। ओके, नाउ थ्री एंजाइम्स इसमें भी नेसेसरी होते हैं और ये किसका सिंथेसिस करते हैं, ये अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करते हैं। ये एंजाइम वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, ये एक्टिव जो फाइव डिफरेंट जीन्स की जो एक्टिविटी होती है, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, ट्रिप डी, ट्रिप ई, ओके, वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है और ये एक्टिविटी जो है इनकी ये सिंथेसाइज होती है। नाउ अब यहाँ पे जो एडिशन है ट्रिप्टोफैन का वो क्या करता है, जो एडिशन है ट्रिप्टोफैन का वो एंजाइम के प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। ओके, इसलिए जो सिस्टम होता है ये रिप्रेसिबल सिस्टम कहा जाता है। तो ट्रिप्टोफैन को जब ऐड कर देते हैं तो ये एपो रिप्रेसर से यहाँ पे वो बाइंड कर जाता है और को रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है। अब एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। और ये अब जब आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन ब्लॉक हो गया और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाई आगे, तो फिर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं पाती है और फिर यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। नाउ अब यहाँ, अब इसके बाद फ्रेंड मेरे पास कुछ और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कुछ एक्स्ट्रा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ सीडीएनए, सीडीएनए क्या होता है, सीडीएनए के बारे में जानते हैं। ये जो सीडीएनए होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, जो सीडीएनए होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। ओके, और ये जो डीएनए होता है, ओके, ये जो यहाँ पे, तो ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे जो सी डी एन ए है उसका क्या फुल फॉर्म है या फिर ये किसका अब्रिवेशन, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए का अब्रिवेशन है। और ये क्या होता है, सिंथेटिक टाइप ऑफ डी एन ए होता है और ये मैसेंजर आर एन ए से जनरेट करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये मैसेंजर आर एन ए से जनरेट करता है। और जो मैसेंजर आर एन ए है वो एज अ टैम्पलेट की तरह यूज़ होता है, ठीक है, टैम्पलेट की तरह ये यूज़ होता है। और साइंटिस्ट लोग जो हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, ये जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को सी डी एन ए में वापस जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, और फिर उसके बाद इसको क्लोन कर लिया जाता है और ये सी डी एन ए लाइब्रेरी की तरह यूज़ हो जाता है। वहाँ पे लाइब्रेरी में जैसे समझ लीजिए कि चीज़ें रखी, बुक्स रखी होती हैं, वैसे ही इसकी भी लाइब्रेरी होती है। नाउ अब ये जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं साइंटिस्ट के लिए, क्योंकि इसमें क्लोन्स होते हैं, जितने भी प्रोटीन इनकोडिंग डी एन ए होते हैं उनके क्लोन्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप कर सकते हैं कि जो सी डी एन ए लाइब्रेरी होती है इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें जो भी प्रोटीन इनकोडिंग डी एन ए होते हैं उनके क्लोन्स रखे होते हैं। ओके, और ये जो जितने भी जीन्स होते हैं वो ह्यूमन जीनोम के जीन्स होते हैं। नाउ अब ट्रांसलेशन जो होता है इसके बारे में देख लें। ट्रांसलेशन में जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्लस्टर्स में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और जो स्ट्रैंड होता है मैसेंजर आरएनए का उससे भी जुड़ जाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाता है और ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम पॉलीपेप्टाइड के होते हैं उनको इनेबल करता है कि वो साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो। नाउ अब विट्रोसिंथेसिस देखते हैं, ठीक है, विट्रोसिंथेसिस जो जीन्स की है वो कैसे हुआ, तो ये जो है डिस्कवरी हरबिंद को जो खुराना थे उन्होंने किया था और 1968 में किया था। और ये क्या, ये जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 77 न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर था उसको कीड कोड किया था यीस्ट के लिए। ओके, और आरएनए एलानिन का यूज़ किया था, आरएनए एलानिन में कन्वर्ट किया था। नाउ अब यहाँ पे जो बाद में क्या हुआ, 1976 में उन्होंने एक फंक्शनल जीन को सिंथेसाइज किया बाय लिंकिंग 200 बेस पेयर और इसको कोड किया गया ई कोलाई के लिए। ओके, और फिर ट्रांसफर आरएनए टायरोसिन के यूज़ किया। नाउ अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ जो वायरसेस होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये दो या दो से ज़्यादा जो जीन्स के लिए वो जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकते हैं। ऐसे जो जीन्स होते हैं ये ओवरलैपिंग जीन्स कहलाते हैं और ये जो ओवरलैपिंग जीन्स हैं वो बॉरेल ने डिस्कवर किए थे, जैसे कि किसमें डिस्कवर किए गए थे, पाई क्रॉस 174 में डिस्कवर किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रांसजेनेसिस का।
जो ट्रांसजेनेसिस होती है वो क्या होती है, ये ट्रांसमिशन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का प्लांट सेल्स में। कैसे कैसे किससे ट्रांसमिशन हो रहा है, बैक्टीरियोफेज से हो रहा है, या फिर ये फिनोमेना है ट्रांसफ़र करने का, जीन मेंटेनेंस का, या फिर ट्रांसक्रिप्शन का और फंक्शन का, ऐसा समझ सकते हैं हम इसको। नाउ सिबलिंग्स क्या होती हैं, सिबलिंग्स या सिबशिप्स भी कहते हैं या सिब्स भी कहते हैं, ये एक ही पेरेंट के इंडिविजुअल्स जो होते हैं, हैविंग द सेम पेरेंट, इनके सेम पेरेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही पेरेंट के होते हैं, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर, ओके आप कुछ भी कह सकते हो। नाउ अब यहाँ पे जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, यहाँ पे जेनेटिक मार्कर जो होता है वो जीन म्यूटेशन होता है, और जीन म्यूटेशन जिसमें कि फिनोटाइपिक इफेक्ट होते हैं, और ये किस लिए यूज़फुल होते हैं, ये क्रोमोसोम को ट्रेस करने के लिए यूज़फुल होते हैं, ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। नाउ फिनोकॉपी क्या होती है, एक कोई भी इंडिविजुअल जिसका जो फिनोटाइप होता है वो सिमिलर होता है टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन म्यूटेंट जीन और जीनोटाइप, ओके। नाउ अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है उसका जो जीनोटाइप है वो सेम हो भी सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है। अब लास्ट हमारे पास पॉइंट है चार्ल्स विज़मान का, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो जीन्स थे cDNA उसको आइसोलेट किया था, और इंटरफेरॉन के लिए आइसोलेट किया था, और कहाँ से आइसोलेट किया था, फ्रॉम ह्यूमन लिम्फोसाइट्स, और फिर इसको ई कोलाई में क्लोन किया था और यीस्ट में भी क्लोन किया था, ओके। तो आज के लिए देखिए यहाँ पे मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड यहाँ पर आप प्लीज़ लेक्चर को देखिएगा, इसको समझिएगा, ओके, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।